हेलो स्टूडेंट क्लास सेकंड। बच्चों कल मैंने आपको पार्ट एक वरदान पार्ट के कठिन शब्द शब्दार्थ और मुख्य प्रश्न करवाए थे। आपने ये होमवर्क में करने के लिए मैंने आपको दिए थे, आपने किए होंगे। आज हम करेंगे पार्ट एक के लिखित प्रश्न। बच्चों लिखित प्रश्न ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। लिखित प्रश्न बच्चों वो होते हैं जिनका उत्तर एक से एक या दो वाक्यों में दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आज का क्या वार है? वीरवार। हम यहाँ पे दिन का नाम राइट करेंगे। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 16 अप्रैल 2020। पाठ एक लिखित प्रश्न। प्रश्न एक, बच्चे क्या वरदान पाना चाहते हैं? बच्चे क्या वरदान पाना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे पढ़ लिखकर महान बनने का वरदान पाना चाहते हैं। बच्चे पढ़ लिखकर महान बनने का वरदान पाना चाहते हैं। प्रश्न दो, कविता में किसका सम्मान करने की बात कही गई है? कविता में किसका सम्मान करने की बात कही गई है? सम्मान मतलब आदर। उत्तर, कविता में गुरु का सम्मान करने की बात कही गई है। कविता में गुरु का सम्मान करने की बात कही गई है। गुरु मतलब जो आपको शिक्षा देता है। प्रश्न तीन, कविता में किसका नाम ऊंचा करने की इच्छा प्रकट की गई है? कविता में किसका नाम ऊंचा करने की इच्छा प्रकट की गई है? उत्तर, कविता में देश का नाम ऊंचा करने की इच्छा प्रकट की गई है। कविता में देश का नाम ऊंचा करने की इच्छा प्रकट की गई है। बच्चों ये आज का आपका होमवर्क है। ये आपको प्रैक्टिस नोटबुक में राइट करना है और जब आप स्कूल आओगे तो आपको आपकी ये प्रैक्टिस नोटबुक चेक होगी और इसमें पूरा पार्ट आपका प्रैक्टिस नोटबुक में राइट होना चाहिए और स्कूल में आने के बाद ही आपको ये फिर से फेयर में लिखवाया जाएगा। तो आपको अच्छे से इसे प्रैक्टिस नोटबुक में लिखना भी है और साथ साथ याद भी करना है। बच्चों कल मैंने आपको पार्ट एक के अभ्यास में भाग दो और भाग तीन फिल करने के लिए दिया था। इसे मैच करो जी। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै गले लगाकर डैश हरे हम। ये आपको इसके आंसर्स दिए हुए हैं, आपको इसमें से पिक करना है। गले लगाकर कष्ट हरे हम। खै कभी नहीं हम डैश बोलें कड़वा। इसमें क्या आएगा? कड़वा। समझे सबको एक डैश समान। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सदा सभी से डैश। यहाँ क्या है, कल मैंने आपको बताया था कविता में से देख के आपको इसे फिल करना है। प्रेम करें हम डैश कष्ट हरे हम। यहाँ पे क्या दिया है? गले लगाकर कष्ट हरे हम। नहीं कभी हम कड़वा बोले। यहाँ आएगा कड़वा बोले डैश सदा ही बोले मीठे। तो यहाँ पे आपको मीठे बोल सदा ही बोले। इस तरह से आपको कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी करनी है। भाषा ज्ञान नंबर वन, नीचे लिखे शब्दों में समान तुक वाले शब्दों पर गोला लगाइए। समान तुक जिनकी
जिनका उच्चारण समान हो, एक जैसा हो। कै बात। अब इसके तीन ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, हाथ रात चार, ये करके भी दिखाया हुआ है। रात बात रात, दोनों का उच्चारण सेम है, उनके आखिरी वर्ण भी इनका मैच हो रहा है, इसमें समान तुक वाला शब्द रात। खै ज्ञान दान, इसका दान गै मेरी तेरी का, दोनों का सेम उच्चारण है। घै महान महान समान, दोनों का सेम उच्चारण है। नंबर टू, नीचे बनी वस्तुओं को उनके स्वाद से मिलाइए, यानी नीचे वस्तुएं दी हैं, सबसे पहले इनकी वस्तुओं के नाम लिखेंगे, करेला आम इमली समोसा। अब ये वस्तुएं इनका स्वाद कैसा होता है उसे इनका मिलान करेंगे। करेला, करेले का स्वाद कैसा होता है कड़वा। आम, आम का स्वाद कैसा होता है मीठा। इमली, इमली का स्वाद कैसा होगा खट्टी। समोसा, समोसा कैसे होता है नमकीन। बच्चों ये आपकी का पार्ट एक का अभ्यास है, इसे आपको याद करना है और पार्ट एक को पूरा राइट करना है प्रैक्टिस नोटबुक में। ये आज आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।